सब्सक्राइब कीजिए टेक्नो स्टार्टर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो यार फिलहाल मैं यूज़ कर रहा हूँ रिवेंज ओएस, मुझे ये सबसे बेस्ट रोम लगती है और ये मेरी फेवरेट रोम है। एंड्रॉयड पाई पर बेस्ड है ये, CEF को सपोर्ट करती है ये रोम, लुक्स में भी बहुत अच्छी है, बैटरी लाइफ भी अच्छी है, बेटर देन एवरेज, लेकिन इसमें आप कर्नल को फ्लैश नहीं कर सकते। जो रोम CEF को सपोर्ट करती है वो यूजुअली ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है और बैटरी लाइफ अच्छी देती है, तो CEF की वजह से आप कर्नल को फ्लैश नहीं कर सकते, और किसी रोम में आपको CEF की सपोर्ट नहीं मिलती। और इस रोम की अच्छी बात है, ऐसे नहीं कि इस रोम के हर रोज़ दो तीन बाद या वीकली अपडेट आएंगे, इसके यूजुअली मंथली अपडेट आते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। तो इस रोम को भी ट्राई कीजिए, आप एक बार ट्राई करेंगे तो आप चेंज ही नहीं करेंगे। तो चलिए आज मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ AOSP एक्सटेंडेड एंड्रॉयड ओरियो वर्ज़न, पाई आया हुआ है लेकिन मैं इंस्टॉल करूँगा एंड्रॉयड ओरियो, वो बताता हूँ आपको क्यों करूँगा। ओरियो यार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस रोम को पहले भी इंस्टॉल किया था और उसके साथ मैंने किया था इलेक्ट्रा ब्लू कर्नल को फ्लैश और मुझे मिला था 11 आवर्स के नियर अबाउट स्क्रीन ऑन टाइम। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करना है। वैसे लगभग सभी रोम्स का मेथड सेम ही होता है इंस्टॉल करने का। तो यार वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, मैंने कुछ गलत बोला या गलत किया तो मुझे सुजेशंस दे दिया करो आप अपनी कमेंट्स में, तो यार तभी तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा ना अपने आप को सजेशन से, डिसलाइक से थोड़ी कर पाऊँगा। तो चलिए TWRP रिकवरी में करते हैं बूट और उसके बाद जाइए वाइपर, एडवांस वाइपर, डाल्विक, सिस्टम, डाटा, कैच, इन सबको कर दीजिए वाइप सेलेक्ट करके। तो ठीक है यार वाइप तो हो गया, अब करते हैं रोम को इंस्टॉल। तो इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाइए, रोम फाइल को सेलेक्ट कीजिए, मेरी फाइल OTG में आप देख सकते हैं, OTG में। और यार यहाँ पे भी आप ऑप्शन रोम के बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो रोम तो इंस्टॉल हो गई है, अब हम फ्लैश करते हैं इलेक्ट्रा ब्लू कर्नल को जो आपको देगा अराउंड 11 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम। तो सिंपली इलेक्ट्रा ब्लू कर्नल को सेलेक्ट कीजिए, स्वाइप टू कंफर्म फ्लैश स्वाइप कीजिए। तो यार जितना टाइम ये लेगा उतने में अपनी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो टेक्नो स्टार्टर्स को, बेल आइकन को दबाओ, मैं रेडमी नोट 4 के लिए और कस्टम रोम्स वगैरह के MI TV एंड्रॉयड TV और बाकी टेक्निकल टिप्स आपके लिए लेके आता रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कोई गलती हो तो माफ़ करना, सजेशन में लिखना कुछ अच्छा ना लगा हो तो, और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में लिखना, रिप्लाई ज़रूर करूँगा मैं आपको। तो इसकी बूट एनिमेशन देखिए यार बहुत अच्छी है, सच में बहुत अच्छी है, हो जा भाई स्टार्ट। तो यार मैं एक वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ, वो वीडियो कौन सी वीडियो, हाँ वो वीडियो गूगल कैमरा कंपैरिजन, रेडमी नोट 4 का स्टॉक कैमरा वर्सेस गूगल कैमरा ऑन रेडमी नोट 4, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिली यार मुझे, तो वो वीडियो ज़रूर देखना और मैं आपको लिंक्स भी दे दूँगा गूगल कैमरा कैसे इंस्टॉल करना है और मतलब अच्छा सा गूगल कैमरा रेडमी नोट 4 के लिए, उसका लिंक दे दूँगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट हो गई है, गूगल ऐप्स तो हमने फ्लैश नहीं की तो उसके बिना ही चल रही है,
सेटअप बहुत आसान था इसका, सिंपली एक बटन दबाया और चल पड़ी, कोई अकाउंट वगैरह ऐड नहीं किया। देख सकते हैं आप, एंड्रॉयड ओरियो वर्जन है। वीडियो बनाने के बाद इसका अपडेट आ गया है सिक्योरिटी पैच का, जनवरी का। तो चलिए अभी इंस्टॉल करता हूँ मैं गूगल ऐप्स को। इसको करते हैं शट डाउन और इंस्टॉल करते हैं गूगल ऐप्स को। गूगल ऐप्स को आप डाउनलोड कीजिए opengapps.com से, और सिंपली सर्च कीजिए, आप गूगल पे सर्च कीजिए डाउनलोड जी ऐप्स, सेलेक्ट कीजिए ARM64 प्रोसेसर का आर्किटेक्टर है और एंड्रॉयड वर्जन, और कौन सा करना चाहते हैं आप, पीको, पीको ही कीजिए। पीको में सिर्फ आपको प्ले स्टोर मिलता है और आप अपनी मर्जी से जो कुछ चाहें इंस्टॉल कर पाएंगे बाद में, और उसको डाउनलोड कर लीजिए, फ्लैश कर दीजिए। तो वीडियो को स्किप कर देता हूँ, टाइम वेस्ट थोड़ी करूँगा मैं आपका। तो कंप्लीट होने के बाद हमने कर दिया रीबूट, रीबूट हो रहा है और अब इसमें गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, आ गया गूगल प्ले स्टोर, और यहाँ पे सेटिंग्स में देख सकते हैं आप कर्नल वर्जन जो हमने फ्लैश किया था, इलेक्ट्रा ब्लू कर्नल। यही सेम कर्नल को आप पाई पे भी फ्लैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतना अच्छा बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया। सिक्योरिटी पैच इसमें पुराना है, लेकिन वीडियो बनाने के बाद अपडेट आ गया है जनवरी सिक्योरिटी पैच का। गेस्चर्स में आपको पुराने ओरियो वाले गेस्चर्स मिलेंगे। तो कस्टमाइजेशन तो इसमें आपको काफ़ी मिल जाएंगी, सारी रात लग जाएगी आपकी पूरी कस्टमाइज करने में फ़ोन को। और आपको ये देखो AEX है ना, ये AOSP एक्सटेंडेड, तो एक्सटेंशंस का ऑप्शन मिल जाएगा आपको इसमें, इस रोम में बहुत सारी एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। तो बस यार सब कुछ बता दिया मैंने, बोलूँगा नहीं मैं अब, आप वीडियो देखिए बाकी की। एक चीज़ तो रह गई, कैमरा आपको इसमें सिंपल मिलता है, लेकिन गूगल कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। तो ठीक है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने चाहिए। पबजी की वीडियो भी लिख के आने के बारे में सोच रहा हूँ मैं, एक दो तो।